उनका प्रत्याशी नियुक्त करने पर समस्त जो मझेड़ा मंडल है उनका हार्दिक स्वागत करता है और बहुत बहुत बधाई जो मझेड़ा मंडल के सभी मतदाता है उनसे सभी से अपील है कि आने वाले 12 नवंबर को जो चुनाव होने हैं तो मेरी सभी से अपील रहेगी कि एक एक जो धार का वोट है वो विकास के नाम पे यादविंद्रगर गोमा के नाम पे दिया जाए, ना कि जो आपसे छल किया गया था पिछले 5 वर्षों में, आपसे ये कहा गया था कि आपको ये नौकरियां दी जाएंगी, आपको आपका विकास किया जाएगा, तो जो वर्तमान में जो विधायक हैं, जो भाजपा के विधायक हैं, उन्होंने धार की अनदेखी की है। तो मेरी सबसे अपील है जो धार निवासी है कि एक एक वोट का हिसाब ले, ताकि उनको पता चल सके कि विधानसभा में कोई भी एक भी कार्य वो वर्तमान विधायक ने नहीं किया है। धन्यवाद। चंगरधार वासियों की तरफ से यादविंद्र तथा सभी देश प्रदेश वासियों देशवासियों तथा चंगरधार वासियों को बहुत बहुत बधाई तथा आने वाले 12 नवंबर को अपने मत का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें तथा जो पिछले टाइम में चंगरधार क्षेत्र अनदेखा हुआ है इसकी देखरेख में हमारे भाई यादविंद्र गोमा जी आएँ तथा उनको विजय गोमा जी को ढेर सारी शुभकामनाएँ टिकट मिलने पर और आने वाले समय जो इनका अच्छा गुजरे इसलिए ढेर सारी बधाइयाँ। कोई नहीं।